हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास विथ उपेंद्र कुमार सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम भागवत विद्यापीठ छपरा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर लाइंस एंड एंगल फॉर क्लास 9th। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल में पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस और उससे रिलेटेड थ्योरम्स और एक्सियम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड, देन सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस टू ईच अदर। टू लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे यदि वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, आइदर साइड प्रोड्यूस करने पर भी, यानी दोनों तरफ जब हम प्रोड्यूस करें और वो न मिले तो उसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन कॉन्स्टेंट। अर्थात दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। ट्रांसवर्सल लाइन, ए स्ट्रेट लाइन विच कट टू और मोर स्ट्रेट लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई एक स्ट्रेट लाइन टू और मोर स्ट्रेट लाइन्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पर कट करे तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। या सपोज ए स्ट्रेट लाइन EF cuts two lines AB and CD at point P and Q। मान लिया गया कि यहाँ पर EF जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है AB और CD को कट कर रहा है P और Q पॉइंट पर। देन द फॉलोइंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ एंगल 1 और 5 जो है ये क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 6 पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 3 और एंगल 7 जो है ये क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8 जो है ये पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो एंगल 1 और 7 जो है यह अल्टरनेट एंगल्स हैं, 2 और 8 जो हैं ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं लेकिन ये एक्सटेरियर हैं। वैसे ही 3 एंड 5 जो हैं ये अल्टरनेट एंगल हैं, 4 एंड 6 अल्टरनेट हैं जो कि इंटीरियर होंगे। और बनेंगे पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जिसको शॉर्ट में हम लोग को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, यानी कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 वन ऑफ द पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हैं एंड 3 एंड 6 जो हैं वो अनदर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब सबसे पहले क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। आप जानते हैं कि एक्सियम क्या है। एक्सियम के बारे हम लोगों ने लर्न किया था। एक्सियम जो है यह प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो इफ़ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कहता है कि यदि दो पैरेलल लाइन को यदि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे सपोज किया गया कि यहाँ पर ए बी और सी डी जो है यह पैरेलल लाइंस है, ई एफ जो है यह ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये भी पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इस तरह से यदि दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जो कि क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के नाम से जाना जाता है। कन्वर्सली, इसका जस्ट कन्वर्स, इफ़ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस
मेकिंग अ पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। यदि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन्स को इस प्रकार काटे कि पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगा। तो हम लोगों को इस तरह से याद रखना होगा, यदि लाइन पैरेलल होंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि टू पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो इच पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और यदि कोई एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इस प्रकार काटे कि इच पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइन जो होंगे वो पैरेलल होंगे। नाउ थ्योरम, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ इच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल। ये कह रहा है कि यदि कोई एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को कट करेगा तो इच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट, सबसे पहले टू पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने ए बी और सी डी टू पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया है। एक ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ जो है ए बी और सी डी को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पर काट रहा है, इस तरह से टोटल एंगल 8 बनेंगे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गिवेन में हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। वी हैव टू प्रूव हियर प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 5 एंड 4 इक्वल्स टू 6, यानी कि इच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, सिंस ए बी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट पी, ए बी जो है ई एफ को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, यह इक्वेशन 2 होगा पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू 4 है और एंगल 2 इज इक्वल टू 6 है, तो इस प्रकार एंगल 4 इक्वल टू 6 होगा। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से के ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि हम लोगों ने अभी देखा कि टू पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो इच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। यानी कि यदि कोई टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से कट करे कि ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों तो दोनों लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। तो अकॉर्डिंग टू को स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे टू लाइंस ए बी एंड सी डी को ड्रॉ किया है और ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया है। गिवन में हो रहा है कि ई एफ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस ए बी एंड सी डी सच दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल यहाँ दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूफ, सिंस ए बी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट पी, ए बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ई एफ को एक पॉइंट पी पर, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन 1 होगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बट एंगल 3 इज इक्वल टू 5 जो है वो गिवेन है, दिया हुआ है। तो बोथ इक्वेशंस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू 3 है और 3 इक्वल टू 5 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वल टू एंगल 5। बट दीज आर पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये क्या है, पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगा, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन इच पेयर ऑफ
कॉन्सिक्यूटिव इंटर एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, यानी कि टू एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे यदि उनका सम जो होगा 180 डिग्री होता है। तो आइए इसे भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी है सपोज किया गया, जो कि पैरेलल है और ई एफ एक ट्रांसवर्सल है, जो कि ए बी और सी डी को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पर कट कर रहा है। तो गिवन हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन। वी हैव टू प्रूव यर को इंटीर एंगल्स का सम 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सिंस ई एफ स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ई एफ जो है वो ए बी पर स्टैंड कर रहा है, इस तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई एक लाइन रे जो है एक लाइन पर स्टैंड करता है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज ट्रांसवर्सल इज गिवन, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इन इक्वेशन वन में हम लोग चलते हैं। तो इक्वेशन वन जो था यहाँ पे एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लोग 3 को रिप्लेस कर 3 की जगह पे 5 लिख सकते हैं। इस तरह से एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ई एफ स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ई एफ जो है वो सी डी लाइन पर स्टैंड कर रहा है। इस तरह से एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अब हम यहाँ से 5 को रिप्लेस कर देंगे, 5 की जगह पे 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है, तो एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 को लिखेंगे। इस तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड हुआ। तो हम लोगों ने अभी जो थ्योरम देखा, यह देखा कि यदि टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वह 180 डिग्री होगा। अब इसका कन्वर्स नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे दैट ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ये कहता है कि यदि कोई एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इस प्रकार से कट करे कि पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री हो, देन द टू लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो गिवेन में यहाँ पर क्या है कि ई एफ एक ट्रांसवर्सल है जो कि टू लाइंस ए बी और सी डी को कट कर रहा है इन सच अ वे दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो प्रूफ में सिंस ई एफ स्टैंड ऑन ए बी, ई एफ जो है स्टैंड कर रहा है ए बी पर, इस तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो होगा 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। बट एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 माना गया है, जो कि गिवन दिया हुआ था कि एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो बोथ के राइट साइड जो है वो इक्वल है, तो राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो एंगल 4 और एंगल 4 जो है कट हो जाएगा। इस तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बचेगा। बट दीज आर अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव्ड हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और क्रस्पॉन्ड को इंटीरियर एंगल्स से रिलेटेड थ्योरम्स को लर्न किया। आप इसे लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।